अस्सलाम वालेकुम मैम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं के लिए भी ठीक हूँ। और क्या शादी मुझे करूँ? हाय एवरीवन, वो भी अभी की है तो अभी सुबह का टाइम है, 8 बज गए अभी। हम लोग मैंने ड्यूटी जाना है। ड्यूटी पे जाना है? हाँ। अच्छा, इसने ड्यूटी पे जाना है तो सुबह का टाइम है, 8 बजे। पापा ड्यूटी ना है। पापा नहीं जाना? हाँ ठीक है। मम्मा ड्यूटी ना है तो आज है 5वां और इसको बंद करना है, छोटी वाली को। और इसकी भी थोड़ी सेटिंग करनी है। काका भी तो आज है 5 दिन माशाल्लाह से हो गए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और घर में आए हैं काके को बंजा करने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी एक रस्म होती है, जो बाल होते हैं वो नहीं ना रखने चाहिए छोटे बच्चे के, 5 दिन के बाद या 6 दिन के बाद कटिंग हो जाती है इसकी, मतलब पूरे ही गंजा हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, चलो। बात तो करो कोई। शाहरुख के पास नहीं जाना? हाँ, शाहरुख भाई के पास नहीं जाना किसी ने? पीछे पीछे टच नहीं होना। हाँ, अम्मी ओदा हाथ देखियो परला। ये काम तो वैसे उसके पापा को भी आता है, लेकिन ये काम जो ना किसी और से करवाते हैं। और थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी यार, पापा सामने आएंगे क्या नहीं। हाँ तो आप करो। हाँ मैं करूँगा। अलीजा से भी मिले काफ़ी टाइम के बाद। अलीजा के सामने हेलो करो। हेलो, कैसे हो आप? करो साइज। हेलो, अम्मी ने पकड़ा हुआ काके को। और आप भी कर दें अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट टाइम आया हूँ, काके छोड़ दे साइड पर। ये बहुत मशहूर है ना, इस वजह से आते नहीं कैमरे के सामने। ये भी लगा लें, स्पेशल इंसान होता है वो बाद में आता। सही बात है, आज बेटी की खातर आना पड़ा। चलो इसकी खातिर ही सही आए तो सही। अच्छा पानी तो बाहर, अभी इसको गंजा कर फिर इसको नहाएंगे। बस मेरा बस। तो हो गया आपका काका गंजा है? स्टाइश हो गया? चलो देखते हैं। तो काका गंजा हो गया, आज काका भी गंजा हो गया। अभी ये दूध पी रही है और उसके बाद हम इसको नहलाएगी अम्मी। गर्मी की वजह से ना, हाँ गर्मी की वजह से ना, गर्मी काफ़ी दाने वाने निकल गए थे बेचारी को, तो अभी एक रिलैक्स हो गई। और मेरे हस्बैंड लेके आए कुछ मिठाई झुनझुना। हाँ ये मिठाई के डब्बे हैं कुछ, जो भेजने हैं हम लोगों ने अपने रिश्तेदारों में, यूसुफ वालों की है। हाँ इसको ये कि हैप्पी टू यू आ गई, ये पकड़ो हैप्पी टू यू। अभी खाली हैं, अभी बीच में मिठाई डालनी है हम लोगों ने, अलग से मिठाई मंगवाई है हम लोगों ने। कहाँ रखी है?
तो ये रही मिठाई, ये भी हम जो है डब्बे में डालेंगे और दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए अम्मी ने तैयार कर दिया इसको, अम्मी ड्रेस दिखाएं इसका थोड़ा, नहा के इसको अच्छे तरीके से रेडी हो गया काका। आप बताएं ये लड़की लड़की लग रही है कि लड़का, क्या ये गंजा भी है ना? हाँ गंजा भी हो गया। चलें वापस लपेट दें। क्या आपने क्या करना है? अच्छा पानी। तो ये मिठाई डाल रहे हैं हम डब्बों में। ये किसका है? ये सबका जाएगा, मिक्स करके देखते हैं, बना के तैयार करके फिर जिसको देना होगा। ये देखिए सही है ना? आपको पता हो फैमिली के हिसाब से, जिसकी जितनी फैमिली है। चलें टोटल कितने डिब्बे हैं? टोटल देख लेते हैं जितने बनते हैं, क्या करते हैं। ज़्यादा तो नटा दिया काम, बार बार मैंने नटाया। अब इसको भी आ रही है नींद, इसको मैंने उठाया हुआ है क्योंकि ये रो रही थी और ये मगन है आज, ये सोई भी नहीं है। जिसने खाने की मिठाई आज सब मुँह मीठा कर लें, आप सब आए और हमारी खुशियों में हों शरीक। शक्कर पारे खाने को दिल कर रहा अम्मी का, देखो सही है इतना, ठीक है। अच्छा तो हो जाती जैसे पैकिंग आपको दिखाते हैं फुल, जैसे कंप्लीट हो जाता सब। तो यही था हमारा आज का व्लॉग, और काकी को भी दिखा दिया था, गंजा हो गया था। और स्थाइश कह के मैंने गंजा नहीं होना, आपने नहीं होना था अंकल से? नहीं। क्यों नहीं? आप तो कहते मेरे अंकल से गंजा होना है। अपनी लिपस्टिक दिखाओ फिर, अच्छी लग रही है ना? तो गर्मी भी इतनी हो रही, अभी करते हैं बाय। तो बस हमारे में ये छोटी मोटी कुछ रस्में होती हैं, गंजा करवाते हैं बेबी को और मुंह मीठा करवाते हैं। तो ये शाहरुख भाई थे, इन्होंने जो है इसको भी किया था, इसके पांचवें पेज है ना। मेरे पापा ड्यूटी लाना है, बस इसको एक ही आता है डाली, मेरे पापा ने ड्यूटी पे जाना है। तो ये शाहरुख भाई ने इसको भी किया था गंजा, और इसकी अब छोटी बहनी को भी उन्होंने किया है। तो आपने दुआओं में शाहरुख भाई की वाइफ को जो है वो याद रखना है, इनकी बेबी के लिए दुआ करनी है, खुदा इनको भी जो है औलाद जैसी नेमत दे, खुदा उन सबको दे जिनके पास औलाद नहीं है, अब ये तंग करने शुरू हो गई। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट्स में बताया करें। और अभी तक नाम आते जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम भी बता रहे हैं लोग कमेंट्स में, तो देखते हैं डिसाइड करते हैं जो हमें सही लगेगा अच्छा लगेगा, तो आपस में डिसाइड करेंगे फिर हम रखेंगे अपने बेबी का नाम। बाय बाय।